सुप्रभात, 21 जून हेडगेवारनी पुण्यतिथि, राष्ट्रधर्मना पथदर्शक अने जन्मजात देशभक्त केशव बलिराम हेडगेवारनो जन्म ईस्वीसन 1889 मां नागपुरना एक वेदज्ञ परिवार मां थयो हतो। कलकत्तानी मेडिकल कॉलेज मां अभ्यास करी तेवो डॉक्टर थया। डॉक्टर तरीके ने पोतानी कारकिर्दीनो भोग आपी डॉक्टर हेडगेवार गांधीजी द्वारा चालती राष्ट्रीय चळवळ मां जोड़ाया हता। तेमनी ऊपर राजद्रोहनो आरोप मुकायो। तेमने एक वर्षनी सखत कैदनी सजा करी। जेलमांथी छूट्या बाद हिंदू समाजनी अने तेना युवकोनी मानसिक गुलामी जोई ते अत्यंत दुखी थई गया। ईस्वीसन 1925 मां विजयादशमीना दिवसे राष्ट्रीय स्वयं संघनी स्थापना करी। संघनी शाखाओं मां क्यारे कोईनी टीका नथी थती। त्यां कहेवाय छे, तमारी वत्सल मातृभूमि ने प्रणाम करो, स्वावलंबी बनो, वीर बनो, त्यागपूर्वक अविरत मेहनत करीने हिंदुओनु संगठन करो, देशना रोगनो आ एकमात्र इलाज छे। तेमणे स्वामी विवेकानंदना स्वप्नने साकार करी बतावी। एक वखत सुभाष बाबूए बे हाथ जोड़ी दर्शन कर्या अने फरी आववानु कही विदाय थिया, पण विधिनी वक्रताए ते पण मुलाकात न थई शकी। तारीख 21 जून 1940 ना रोज तेमणे नश्वर देह छोड्यो अने यौवन थी महकतु एक जीवन पुष्प राष्ट्र देवताना चरणों मा समर्पित थयु। डॉक्टर साहेबे रोपेल ए संघ वृक्ष हवे तो वटवृक्ष बनी गयु छे। आम संघ वृक्षना स्वरूप मा डॉक्टर साहेब समग्र भारत मा शोभी रहिया छे। मुझे स्मरण है, परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी की जन्म शताब्दी का समारोह हो रहा था। तब जो लोग हमारे वैचारिक विरोधी हैं, उन लोगों ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था और वो लगातार लिखते थे, बोलते थे, सेमिनारों में चर्चा करते थे कि देखो ये आरएसएस वाले कैसे लोग हैं, ये डॉक्टर हेडगेवार को कौन जानता था, नागपुर में भी कोई पूछता नहीं था, एक बहुत मामूली आदमी को बहुत बड़ा बना करके शताब्दी बना करके घूम रहे, इस प्रकार की आलोचना होती थी। और मुझे याद है उस समय के हमारे सरसंचालक परम पूज्य रज्जू भैया जी ने बहुत ही सटीक जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि हमारे आलोचक जो कहते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार जी बहुत सामान्य थे, मैं इसका विरोध नहीं करता, ये सही है कि पूरी संघ व्यवस्था में समाज के भीतर से आए हुए सामान्य लोग हैं। विशेषता ये नहीं है कि लोग सामान्य हैं कि असामान्य हैं, विशेषता ये है कि सामान्य लोगों ने असामान्य काम करके दिखाया कि अपने आप को खपा देने वाले लोग कितने ऊंचे थे। एक जीवन भर मित्रों, यानी एक जीवन एक लक्ष्य आमतौर पर मुश्किल होता है। जयप्रकाश नारायण का राष्ट्रीय संसद संघ के साथ संबंध आया तो संघ की बैठकों में एक परंपरा रहती है, जब परिचय करते हैं तो अपना संघायु बताता है, मेरा संघायु 30 साल, मेरा संघायु 25 साल, मेरा संघायु 20 साल। तो जयप्रकाश नारायण जी एक बार संघ की बैठक में आए, बातचीत हो रही थी, तो जयप्रकाश जी जब सुनने लगे तो ये क्या बोल रहे हो आप लोग संघायु, तो उनको समझाया गया कि जो बताता है मेरा संघायु 30 साल, मतलब 30 साल से ये काम कर रहा है। और तब जयप्रकाश जी ने उस बैठक में कहा था कि आमतौर पर व्यक्ति 5 साल 7 साल में नए नए किसी न किसी कार्य से जुड़ता हुआ अपने आप को रास्ता बनाता रहता है। ये बहुत बड़े आनंद का विषय है कि एक ही विचार, एक ही कार्य, एक ही कार्य पद्धति के लिए 30-30 साल तक, 40-40 साल तक लोग खपे रहते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मित्रों, यहां जितने जीवन है, और मेरा सौभाग्य रहा है कि परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी को छोड़ करके जितने यहां चेहरे आप देख रहे हैं, इन सब की उंगली पकड़ करके चलने का
मुझे सौभाग्य मिला है।